हाय दोस्तों, मैं हूँ सिराज और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन वीक 3 का सारा प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड प्रिंट इट्स एरिया। इनपुट फॉर्मेट क्या बोला गया है? सिंगल लाइन ऑफ इनपुट कॉन्टेंट टू नंबर इंडिकेटिंग द लेंथ एंड ब्रेथ। आउटपुट क्या है? डिस्प्ले द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनपुट। जैसे कि इनपुट 3 स्पेस 5, आउटपुट 15, तो उस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ही लाइन पे इनपुट लेना है हम लोगों को, स्पेस सेपरेटेड, इसलिए एक्स कॉमा वाई दो वेरिएबल लिए, इक्वल टू मैप देन पैरेंथेसिस ओपन इंट, इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट करेंगे हम लोग, इनपुट देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज देन डॉट स्प्लिट, स्पेस सेपरेटेड के लिए डॉट स्प्लिट देन पैंथिस क्लोज देन एंटर। एंटर करने के बाद सिंपली प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, एक्स इंटू वाई मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ कॉमा ई एन डी मीन्स एंड ऑफ लाइन डबल क्वेश्चन ओपन क्लोज पैंथिस क्लोज। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पाइल एंड रन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो पब्लिक टेस्ट केस है वो हम लोग को पास कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट आंसर पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केस है वो भी हम लोग को पास कर चुका है। तो नॉर्मली हम लोग क्या किए, एक्स कमा वाई इज इक्वल टू मैप इंट कॉमा इनपुट पैंथिस ओपन क्लोज डॉट स्प्लिट पैंथिस ओपन क्लोज देन अगेन क्लोज प्रिंट पैंथिस ओपन एक्स इंटू वाई कॉमा ई एन डी इक्वल टू डबल क्वेश्चन ओपन क्लोज देन पैंथिस क्लोज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोग्रामिंग देखेंगे क्या दिया हुआ है, देख लेते। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम दिया हुआ है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक 3 इंटीजर एज इनपुट एंड प्रिंट द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग द 3। सिंगल लाइन इनपुट होगा, स्पेस सेपरेटेड 5 7 9 देन उसका डिफरेंस 4। तो ये प्रोग्राम भी हम लोग को लिखना होगा। तो नॉर्मली हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्स को इनपुट लेंगे, एक्स इज इक्वल टू इनपुट देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज डॉट स्प्लिट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज देन एंटर। एंटर करने के बाद प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन ए बी एस देन इंट पैरेंथेसिस ओपन मैक्स ऑफ एक्स देन माइनस इंट देन पैंथिस ओपन मीन पैंथिस ओपन एक्स पैंथिस क्लोज अगेन क्लोज अगेन क्लोज देन कॉमा ई एन डी इक्वल टू डबल कोट्स एंड ओपन क्लोज देन पैंथिस क्लोज। इसके बाद नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पाइल एंड रन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस है वो हम लोग का पास कर चुका है। अब हम लोग सबमिट आंसर पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केस है, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस 4, वो चारों भी पास कर चुका है। तो नॉर्मली हम लोग क्या किए, एक्स को इनपुट लिए, एक्स इज इक्वल टू इनपुट पैंथिस ओपन क्लोज डॉट स्प्लिट पैंथिस ओपन क्लोज प्रिंट पैंथिस ओपन ए बी एस पैंथिस ओपन इंट पैंथिस ओपन मैक्स ऑफ एक्स then parenthesis close then parenthesis close minus int parenthesis open minimum of x then जितना parenthesis open था उसको close किए then comma end double quotation open close then parenthesis close। next program हम लोग देख लेते हैं क्या है, third one, third program दिया हुआ है हम लोग का right angle triangle, write a program that takes 3 integer as input and check whether they can form sides of a right angle triangle or not, प्रिंट यस इफ दे कैन फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये प्रिंट करेगा नो। सिंगल लाइन इनपुट होगा, जैसे कि यहाँ पे 10 20 30 स्पेस सेपरेटेड इनपुट हुआ है और उसका आउटपुट नो आया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक लिस्ट इनपुट लेंगे, इसलिए ए इज इक्वल टू एल आई एस टी लिस्ट देन पैरेंथेसिस ओपन देन मैप पैरेंथेसिस ओपन इंट कॉमा इनपुट then parenthesis open close dot split then parenthesis open close
अगेन क्लोज देन अगेन क्लोज देन एंटर। एंटर करने के बाद एच नाम का एक वेरिएबल लेंगे इक्वल टू थर्ड ब्रैकेट ओपन आई फॉर आई इन ए देन अगेन एक इफ कंडीशन इफ आई नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए देन पैंथिस क्लोज देन थर्ड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। एंटर करने के बाद एक इफ कंडीशन इफ मैक्सिमम ऑफ ए डबल इंटू टू मीन्स एक्सपोनेंट टू इक्वल टू पैंथिस ओपन एच थर्ड ब्रैकेट में जीरो डबल इंटू टू प्लस एच ऑफ वन थर्ड ब्रैकेट क्लोज डबल इंटू टू पैंथिस क्लोज कोलन देके इंडेंटेशन देन एंटर देन प्रिंट। क्या प्रिंट करेगा विद इन डबल कोट यस देन कॉमा ई एन डी इक्वल टू डबल कोट्स एंड ओपन क्लोज देन पैंथिस क्लोज देन एंटर। देन एकदम पहले चल जाएंगे एल्स कंडीशन कोलन देके इंडेंटेशन देन एंटर देन प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट पैंथिस ओपन विद इन डबल कोट क्या लिखेंगे हम लोग नो डबल कोट्स एंड क्लोज कॉमा ई एन डी इक्वल टू डबल कोट्स एंड ओपन क्लोज देन पैंथिस क्लोज। देन हम लोग क्या करेंगे कॉम्पाइल एंड रन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ था वो हम लोग का पास कर चुका है। अब हम लोग सबमिट आंसर पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केस दिया हुआ था चारों वो चारों प्राइवेट टेस्ट केस भी हम लोग का पास कर चुका है। नॉर्मली हम लोग क्या किए हैं एक लिस्ट लिए ए इज इक्वल टू लिस्ट मैप इंट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट एच इज इक्वल टू आई फॉर आई इन ए इफ आई नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए इफ मैक्स ऑफ ए इंटू इंटू टू इक्वल टू एच ऑफ जीरो इंटू इंटू टू प्लस एच ऑफ वन इंटू इंटू टू कोलन देके इंडेंटेशन देन प्रिंट येस देन एल्स कंडीशन में प्रिंट नो। जैसे हम किए ऐसे ही आप लोगों को करना है। ये प्रोग्रामिंग सारा 100% करेक्ट है आप लोग अगर सही तरीके से करेंगे इंडेंटेशन मेंटेन करके, क्योंकि इंडेंटेशन पाइथन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग ब्रासेस का यूज करते हैं बट हम लोग पाइथन में किसी के अंडर कोई स्टेटमेंट देने के लिए कोलन का इस्तेमाल करते हैं जो कोलन इंडेंटेशन का काम में आता है। इंडेंटेशन मीन्स फोर स्पेस देने का बाद वो स्टेटमेंट हम लोग लिख पाएंगे। फोर स्पेस मतलब कि ऊपर जो स्टेटमेंट है उसका अंडर में हम लोग कुछ दूसरा स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। तो जैसा ये किए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए देन बाकी दो भी और एक बार दिखा दे रहे हैं हम क्या आंसर लिखे। देखिए नॉर्मली एक्स कॉमा वाई मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट प्रिंट एक्स इंटू वाई कॉमा ई एन डी इक्वल टू डबल क्वेश्चन ओपन क्लोज। देन सेकेंड वाला क्या किए वो भी और एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। सेकेंड वन में क्लिक किए सेकेंड वन में नॉर्मली हम लोग क्या किए नॉर्मली एक्स इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट प्रिंट ए बी एस ऑफ इंट मैक्स ऑफ एक्स माइनस इंट मीन ऑफ एक्स कॉमा ई एन डी डबल क्वेश्चन ओपन क्लोज। तो जितना सारा प्रोग्रामिंग हम लोग किए ये 100% करेक्ट है। आप लोग अगर करेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।